कैसा हुआ भैया एग्जाम? एग्ज़ाम तो ठीक हुआ है, लेकिन गणित में जो है वो ज्योमेट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हम? मैंने 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उसमें से 3 विजिट नहीं कर पाए हैं और 11 सिर्फ व्यू करे थे, इन्हें अटैम्प्ट नहीं कर पाए। तो ओवरऑल चारों पोर्शन की बात की, तो कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा, कौन सा टफ? देखो, इंग्लिश और इंग्लिश से तो मीडियम मानी जाए, इंग्लिश में तो मीडियम, और जो इसमें आ जाओ जीएस में आप कुछ नहीं कर सकते हो। जीएस में पता ही नहीं कहाँ से आ जाए, जीएस हिस्ट्री में से कुछ क्वेश्चन आए नहीं थे, ज़्यादातर ये पुरस्कार के ऊपर क्वेश्चन आए थे, और इंग्लिश भी मीडियम दिया था, टफ नहीं कह सकते हैं, और मैं रीजनिंग तो ठीक थी, और मैंने रीजनिंग की है ज़्यादा। हाँ, इससे पहले ये वाली मैंने पहले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम दिए। मैंने इस करे, लेकिन पहले हमने ऐसे मैनेज करे, पहले हमने जो टफ सब्जेक्ट था उन टफ को मैंने बाद में देखा, पहले मैंने अपनी रीजनिंग की और फिर उसके बाद जीएस की, उसके बाद मैंने इंग्लिश को अटैम्प्ट किया था, फिर उसके बाद गणित को देखा था। गणित में ज़्यादातर क्वेश्चन ज्योमेट्री से ही आए थे। क्वेश्चन पार्ट में आ रहे होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट? हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट आ रहे थे, लेकिन ज्योमेट्री सबसे ज्योमेट्री आ रहा है, अलजेब्रा जा। सबसे पहले मैथ नहीं, इंग्लिश से पहले स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश, फिर उसके बाद रीजनिंग आ रही है, फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, फिर जीएस। एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो एक्सपीरियंस तो ठीक रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम और ट्राई करेंगे। मैंने 85 अटैम्प्ट किए थे। आपने तैयारी ऑनलाइन की थी ऑफलाइन? मैंने थोड़ी बहुत जो 2-3 दिन बचे थे उसमें तो कुछ ऑनलाइन दिख रहे, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़्यादा की थी, ऑफलाइन ज़्यादा। ऑफलाइन प्रिपेयर करते हो? हाँ, ऑफलाइन प्रिपेयर। ऑनलाइन स्टडी के बारे में क्या कहना है आपको? ऑनलाइन स्टडी ये है कि अगर पेपर का समय पास आता जाए तो ऑनलाइन स्टडी देख लेना चाहिए, बाद जब क्वेश्चन पेपर पास में आता जाए। वैसे ऑफलाइन और सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना? हाँ, ज़्यादा सेल्फ स्टडी, अपने नोट्स बनाना चाहिए, अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहिए। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।